हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 34, जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले वर्कशीट पे हमें अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद अपने टीचर का नाम लिखना होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या दिया गया है। बच्चों, आप वर्कशीट की हेडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव, जो हमारा साइंस का टॉपिक है। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े कुछ सवाल और जवाब देखेंगे। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर दी इनविजिबल सब माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स दैट आर फाउंड इन अबंडेंस एवरीवेयर अराउंड अस। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स काफ़ी छोटे छोटे ना दिखने वाले जीव हैं, जो कि हमारे आसपास भरपूर मात्रा में होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। चलिए आइए अपनी डेली लाइफ से जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। इसमें बच्चों दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो उनका आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम कहती है, सूरज केम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। यानी सूरज बहते हुए नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने छींक दिया। यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, वाई? आपको भी अगले दिन जुकाम हो गया, क्यों? तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं रनिंग नोज यानी बहता हुआ नाक जो होता है वो कॉमन कोल्ड का सिम्टम होता है, जो कि वायरस से होता है। वायरस भी बच्चों हमारा एक सूक्ष्म जीव होता है। चलिए देखते हैं सूरज से ये कॉमन कोल्ड कैसे फैला। व्हेन सूरज स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग वायरस आर स्नीज्ड इन द एयर विच वर इनहेल्ड बाय मी एंड इन्फेक्टेड मी कॉजिंग कोल्ड नेक्स्ट डे। यानी कि जब सूरज ने मेरे सामने छींका तो वायरस से ग्रसित कुछ बूंदें हवा में आ गई, जो कि मेरे द्वारा सांस लेते वक्त मेरे शरीर के अंदर चली गई और मुझे भी संक्रमण हो गया, जिससे कि मुझे भी अगले दिन जुकाम हो गया। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। चलिए अब हम चलते हैं हमने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, हाउ वॉज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। यानी सूरज आपके जुकाम होने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों, इसके लिए आप लिख सकते हैं, सूरज इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस व्हेन ही केम टू स्कूल एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दिस कॉज द वायरस टू बी एयरबोर्न। यानी जब सूरज स्कूल आया तो वो पहले से ही वायरस से ग्रसित था, और जब उसने दूसरों के सामने छींका तो वायरस से ग्रसित कुछ बूंदें हवा में आ गई। दिस वायरस वॉज इनहेल्ड बाय मी एंड इट कॉज्ड मी टू कैच कोल्ड। यानी ये वायरस मेरे द्वारा इनहेल कर लिया गया और इससे मुझे कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सूरज इस प्रकार से आपको जुकाम होने के लिए जिम्मेदार था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राधिका एड्स अ टीस्पून ऑफ कर्ड टू अ बाउल ऑफ मिल्क एंड लीव्स इट ओवरनाइट टू मेक अ बाउल ऑफ कर्ड। व्हाई डिड शी ऐड कर्ड? राधिका ने दूध की एक कटोरी में एक चम्मच दही डाली और उसे रात भर के लिए दही बनने के लिए छोड़ दिया, तो उन्होंने दही क्यों मिलाई? पहले तो बच्चों, जो हमारी दही होती है उसके अंदर एक गुड बैक्टीरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बैड बैक्टीरिया आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी दही में होता है गुड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो व्हेन राधिका एडेड अ टीस्पून ऑफ कर्ड टू मिल्क, लैक्टोबैसिलस फ्रॉम कर्ड आर ऑल्सो मिक्सड इन मिल्क विच कन्वर्टेड नेचुरल शुगर लैक्टोस प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड। जब राधिका ने एक चम्मच दही दूध में मिलाई तो दही से लैक्टोबैसिलस हमारे दूध में भी मिल गया, और उसने दूध में मौजूद नेचुरल शुगर, जिसे हम लैक्टोस भी बोलते हैं, उसे कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। दिस इंक्रीज्ड एसिडिटी इन मिल्क कॉजेज द मिल्क प्रोटीन नोन एज केसिन टू चेंज इट्स टेक्सचर टू सॉलिड टेक्सचर लाइक कर्ड। इस बढ़ी हुई एसिडिटी से दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है केसिन, उसका टेक्सचर चेंज हो गया और वो दही में बदल गया। इसी के साथ बच्चों, हमारी वर्कशीट नंबर 34 कंप्लीट होती है।
आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।